आजादी के लगभग 70 साल बीतने के बावजूद पंचायत नगवाड़ी के तहत गांव चिरूड़ी के लोगों को आज तक सड़क नसीब नहीं हो पाई है। इस गांव में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को चारपाई पर उठाकर सड़क तक लाना पड़ता है, जिसके कारण लोगों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आजादी के लगभग 70 साल बीतने के बावजूद पंचायत नागवाड़ी के तहत गाँव चिरूड़ी के लोगों को आज तक सड़क नसीब नहीं हो पाई है। इस गांव में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को चारपाई पर उठाकर सड़क तक लाना पड़ता है। सन 2015 और 16 में विधायक प्राथमिकता के तहत इस सड़क को बनाए जाने की योजना संबंधित विभाग को भेजी गई थी। एक तरफ रेल लाइन तथा गांव से मुख्य सड़क तक के बीच की जगह पर वन विभाग को तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ा तथा सड़क अस्तित्व में आने से रह गई। चिरूड़ी गांव में लगभग 80 घर हैं और लगभग 500 लोग रहते हैं। अनीता देवी महिला मंडल की प्रधान, जगदीश चंद, सलीमा बोधराज, राजेश कुमार, तिलकराज ने बताया कि आजादी के 70 वर्ष बाद भी लोग सड़क सुविधा से वंचित हैं। इस आधुनिक युग में भी इस गांव में बीमार व बुजुर्ग लोगों को अस्पताल पहुँचाने के लिए चारपाई में डालकर लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया जाता है। गांव वालों का कहना है कि जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, तब विभाग वाले भी आते हैं और दीवारों पर नंबर लगाते हैं, परंतु चुनाव हो जाने के बाद कुछ नहीं होता है। इस बार पूरा गांव किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं देगा, पूर्ण रूप से वोट का बहिष्कार किया जाएगा और काले झंडे लेकर पोलिंग बूथ पर बैठेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम अनीता देवी है, मैं महिला मंडल की प्रधान हूँ। हम सभी ने एकत्रित होकर बोल रहे हैं, हम वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारा रास्ता इतने साल हो गया आज तक बना नहीं। जो भी मरीज होता है हम कंधों पर चारपाई पर उठा के लेके जाते हैं। कोई भी सामान है, कैसे जाना है, कैसे आना है, या हमारे रास्ते के बारे में आजकल किसी ने समस्या के हल नहीं किया। कोई भी फंक्शन हो, आप जा रहे हैं शादी में, आप देखो कैसे सामान लेके आए हैं, कैसे रखा है, कितने दूर दूर से हम उठा के लेके आते हैं। आप भी आए हैं, आपने देखा है हमारे रास्ते की कंडीशन, चढ़ाई कैसी है, और मरीज है, आप देखो जाकर आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। और हम वोट नहीं देंगे जब तक हमारा समस्या का हल नहीं होगा। सारा गाँव इलेक्शन, हमारी समस्या ये है, रास्ता इतना खराब है जिसका कोई हिसाब नहीं। 40 साल से 45 साल हो गए जहाँ हम आए हुए, अभी तक ये रास्ता नहीं बना। जब मरीज को हो जाता है, उसको उठाने के लिए कोई गाड़ी का बंदोबस्त होता है, ना आदमी का बंदोबस्त होता है, सब अपने नौकरी में चले जाते हैं। और कई आदमियों के ऐसे ही डेथ हो गई है जो कि बिना इलाज। राजेश कुमार और वार्ड नंबर 2 नागवाड़ी पंचायत से बोल रहा हूँ। हमें 40 साल हो गया सर यहाँ आश्वासन सुनते हुए, सारा ग्राउंड लेवल पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। हर बार इलेक्शन के टाइम हमें सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं कि आपकी सड़क ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, पर आज तक ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हुआ। इसकी DPR भी 2015-16 में तैयार की गई थी, बननी शुरू हुई थी, मगर उसका भी अभी तक कोई, उन्होंने डिपार्टमेंट ने कोई उचित उत्तर नहीं दिया। वो उसका MLA प्रायोरिटी में वो सड़क डाली गई थी राजा का बाग से नड़ाई कुट्टा सीधा बरंडा से लिंक था जिसका, और उसको भी कहते हैं फॉरेस्ट केस चल रहा है, पर 40 साल हो गए अभी फॉरेस्ट केस चल ही रहा है। वो मरीजों को हमें उठा के नीचे ले जाना पड़ता है, नीचे से ऊपर ले जाना पड़ता है, चारपाई पे उठा के हम मरीज को हर दिन उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। मगर ये सर अभी तक किसी के MLA या मंत्री या कोई भी है, उन्होंने हमारे इस समस्या का कोई हल नहीं किया हुआ, इस इलाके का यानी कि कोई सुधार नहीं हुआ। 40 साल से हम कोई बेनिफिट नहीं ले पाए हैं अभी तक। ये एक मरीज पड़ा हुआ है जहाँ आपने जिसकी फोटो ली है, जो औरत है इनकी, ठीक है जी, अभी बेचारे 7 साल हुए हैं पड़े हुए इसको मरीज को, और ये औरत नरेगा में लगी हुई है, और 3 लड़कियां हैं, एक लड़का है, वो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी छोटे छोटे, इनको कोई भी सहूलत कुछ नहीं मिल रहा है, इनको बेचारे को क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं देखभाल कर रहा है कोई भी इनकी, इनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्योंकि ये मरीज पड़ा हुआ है, ये बेचारी औरत है, दिहाड़ी लगाती है, धूप में मरती है, इनकी कोई सुनाई नहीं है, कोई कुछ नहीं इनका, ये एक टपुर स्लेट वाला वो पीछे पहुँचना है, छोटा सा घर है इनका, कुछ भी नहीं इनको मिलता,
हाँ जी, क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं सरकार सुनाई करती है इनकी? हाँ, आते हैं जाते हैं, देखते हैं मरीज को, कोई नहीं जी, हाँ करेंगे करेंगे, ठीक है नहीं? हाँ, हर हफ्ते ले जाते हैं इसको, बेचारे को उठा के ले जाते हैं, पहले पठानकोट लिया था। हाँ जी, पैसा नहीं इनके पास, इन्होंने कहाँ से करेंगे? अपना बेचारी ये दिहाड़ी ला के खाना बनाएगी, बच्चों को खिलाएगी या कमा के खाएगी, इसको बेचारे मरीज को कहाँ से लगाएगी, कहाँ से पैसा लगाएगी इसको? हैं, और हफ्ते और 15 दिन में जो इसको हॉस्पिटल में जाने पड़ता है, जहाँ से उठा के चारपाई में ले 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 जाकर जाने पड़ता है, और बारिश झड़ी में भी मुसीबत होती है, कैसे ले आना इसको, ठीक है नहीं? और सड़क की जो सुविधा नहीं है, इसलिए इस कारण में गाड़ी जहाँ कुछ भी नहीं जहाँ पहुँचता है, और कोई ब्याह शादी होता है, कुछ भी होता है, तभी हमारे को परेशानी है, क्यों सामान उठा के ले आने पड़ता है हमारे को कोई भी, ठीक है जी? और कोई भी हमारे को सुविधा नहीं है, ठीक है जी? धन्यवाद। गांव के लोगों का कहना है कि स्कूल के आगे अभी लगभग 15 दिन हुए टाइल डाले, जो कि अभी से उखड़ना शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि टाइल में सीमेंट नाम की कोई भी चीज नहीं लगी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।